मेरे किरदार का नाम है इलाही दोसांझ। ये पंजाब की रहने वाली हैं और एक क्लासिकल सिंगर है, कॉलेज गोइंग गर्ल है और ये अपने पैशन को फॉलो करना चाहती है। एक एस्पायरिंग सिंगर है लेकिन इसके पीछे इनका एक अलग मोटिव है। तो बचपन से वो अपनी मम्मा को इतना मिस करती हैं इतना, और उन्होंने जो क्योंकि उनकी मम्मा और उनके जो पापा है वो भी सिंगर रह चुके हैं तो वहाँ से उन्होंने सिंगिंग सीखी। और आई वाज वेरी एक्साइटेड जब वो दोनों सेट पे आए एंड आई वांटेड टू आस्क देम कि बिग बॉस में क्या हुआ एंड ऑल, बट आई थिंक हमारी मोस्टली जो भी बात हुई है वो हमारे शो के रिगार्डिंग ही बात हुई है। थैंक यू सो मच। राइट, आई थिंक मैंने ऐसा शो पहले कभी नहीं देखा जो म्यूज़िक बेस्ड पे हो, और स्टोरी लाइन अगर आप अपने प्रोमोज में देखी होगी इट्स वेरी डिफरेंट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं म्यूज़िक की बचपन से फ़ैन हूँ, मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो जब मुझे ये शो मिला आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। और इस शो में ख़ास बात ये है कि हम तीनों को म्यूज़िक बहुत पसंद है और हम लोगों ने जितने पैशनेटली इस एक इतनी प्रेप किया है इस एक एक कैरेक्टर को लेकर, हमारे क्रिएटिव टीम्स ने जितना हमें ब्रीफ दिया है यू नो आराम से कि एक पर्टिकुलर चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। सो या मेरे किरदार का नाम है इलाही दोसांझ। ये पंजाब की रहने वाली हैं और एक क्लासिकल सिंगर है, कॉलेज गोइंग गर्ल है और ये अपने पैशन को फॉलो करना चाहती है। एक एस्पायरिंग सिंगर है लेकिन इसके पीछे इनका एक अलग मोटिव है कि शी हैज़ सम वाउंड्स इन हर लाइफ बिकॉज ऑफ द अबैंडमेंट ऑफ हर मदर। और जो इन्होंने बचपन अपना जो गुजारा है वो अपने मम्मी और मम्मी के बिना गुजारा है। इनकी जो दादी हैं और पापा हैं उन्होंने इनको पाला पोसा है। तो बचपन से वो अपनी मम्मा को इतना मिस करती हैं इतना, और उन्होंने जो क्योंकि उनकी मम्मा और उनके जो पापा है वो भी सिंगर रह चुके हैं तो वहाँ से उन्होंने सिंगिंग सीखी। और वो चोरी चोरी गाना चाहती हैं और ये पैशन को फॉलो करके अपनी मदर को घर में वापस लेकर आना चाहती हैं ताकि कंप्लीट फैमिली बन जाए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, बट लेट्स सी कि वो अब I was very excited जब वो दोनों सेट पे आए एंड आई वॉन्टेड टू आस्क देम कि बिग बॉस में क्या हुआ एंड ऑल, बट आई थिंक हमारी मोस्टली जो भी बात हुई है वो हमारे शो के रिगार्डिंग ही बात हुई है। और दोनों के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है एंड आई एम एंजॉइंग वर्किंग विद देम। या थैंक यू। एंड मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमने बहुत जुनून से ये जुनूनियत शो बनाया है और जिन्हें भी म्यूज़िक बहुत पसंद है, जो भी एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, दे मस्ट वॉच दिस शो। और आपको लव ट्राइंगल भी दिखेगा इसमें, पैशन भी दिखेगा, फैमिली ड्रामा भी दिखेगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड वॉच जुनूनियत फ्रॉम 13th एंड ओनली ऑन कलर्स 8:30 PM। थैंक यू।